अभी सब ईडब्ल्यूएस का डाल। फायदा तो, अभी ईडब्ल्यूएस का तो कैटेगरी में आते होंगे ना वो तो, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी में उठा। उन्होंने कहा कल परसों की, उन्होंने एडवर्टाइज दी है सरकार ने कि ईडब्ल्यूएस के मामले पे ज्यादातर जो है नियुक्तियां पदों पे नियुक्त सर्विसेज में नियुक्तियां हमने खास करके मराठों की करके उन्होंने बाकायदा एडवर्टाइज भी लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि वही ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में भी खास करके मराठा समाज को तवज्जो दी उन्होंने, क्योंकि जब आरक्षण लागू किया, जब गायकवाड़ कमीशन आने के बाद में उन्होंने जब कानून बना, कानून बनने के बाद तुरंत लागू कर दिया। लागू करने लागू कब से किया, 2016 के तहत, यानी दो पीछे जाकर उन्होंने लागू किया। और लागू करने के बाद में जो जिनको पद मिले वो तो पद तो खारिज हो गए, तो फिर आंदोलन खड़ा हो गया। तो सरकार ने फिर उसको लेकर उन्होंने कहा कि विशेष उनके लिए हम प्रोविजन करते हैं, लेकिन उसको वो भी सुप्रीम कोर्ट गए तो वो खारिज हो गया। तो फिर आ गया मामला, अभी खारिज हुआ, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम ईडब्ल्यूएस के तहत आपको ये तमाम जो नियुक्तियां है उसको ईडब्ल्यूएस के तहत मानेंगे। तो ये अभी उन्होंने रिपोर्ट पेश की, अभी राज्य सरकार ने बाकायदा परसों एडवर्टाइज पेश किया, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के मामले में ज्यादातर नियुक्तियां हमने मराठा समाज की थी। इसका मतलब यह है कि मराठा समाज ईडब्ल्यूएस का पार्ट एंड पार्सल है, बिल्कुल भाई। और क्योंकि जिनको अनुसूचित हमारे जाति जनजाति और एक ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता उनको वो आरक्षण लागू है, और हमारे वो हमारे तो एक मिलता मित्र है हैं, उनको। वो हमारे एक मित्र वो अक्सर कहते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन तो है ही नहीं इस देश में। उनका कहने का अर्थ ये है कि 8 8 लाख का आपने कैप लगा दिया ओबीसी पे, और ईडब्ल्यूएस में भी 8 लाख का कैप है, तो ओबीसी कौन सा रिजर्वेशन हो गया? आपने सारे रिजर्वेशन को ईडब्ल्यूएस बना दिया है। ओबीसी को आप करते हैं तो क्रीमी लेयर नहीं, हटाइए, उससे बड़ा अच्छा। नहीं, उससे उसको आगे चल के मैं दो बातें करता हूं, उनके साथ जोड़ देता हूं। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए तो एक ही है मानदंड, क्या 8 लाख अच्छा, के नीचे उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए, ओबीसी को उससे ज्यादा है। ओबीसी को चाहिए क्या, चाहिए मालूम है क्या, ओबीसी को यह चाहिए कि वो पिछड़े वर्ग की सूची में होना चाहिए, होना चाहिए। वो तो ओबीसी पिछड़ा को वर्ग डबल का मार होना खा रहे, चाहिए, दोनों डबल चलिए, अच्छा हुआ मार है खा कि रहे हैं दोनों ओबीसी, जी, यानी तो हम तो राजद ओबीसी को कह समाज। रहे हैं काहे के लिए ओबीसी, ओबीसी के तहत रिजर्वेशन ले रहे हैं आप, ईडब्ल्यूएस के तहत लो और कह दो कि हम ओबीसी नहीं है, क्योंकि बहुत सही। और फिर वो स्क्रूटिनी ओबीसी के का लिए मामला ज्यादा 51 के पेचीदा पहले है। के दस्तावेज भी दो ओबीसी को, स्क्रूटिनी बिल्कुल में हाँ 51 के पहले के दस्तावेज भी दो। इससे अच्छा ईडब्ल्यूएस ले लो, वो झंझट नहीं है। तो तहसीलदार जम्मू में से आए। इनकम सर्टिफिकेट ले लो। नहीं, जम्मू जी और चंदन जी तुमको बताता हूँ, ओबीसी के 6 मानदंड है, ईडब्ल्यूएस का 1 मानदंड है। ओबीसी के छह छह मानदंड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, दे आर द क्रीमी लेयर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो रहेंगे वो ओबीसी नहीं है, वो क्रीमी लेयर है ओबीसी में के। साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो क्लास 1 एज ए अपॉइंटमेंट है उनके बच्चे क्रीमी लेयर है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल, ये सर्विसेज सब के सही है। तमाम मिलिट्री प्रोसेस में और तमाम सरकारी पद और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वो तो तमाम सार्वजनिक सेवाओं के प्रक्रिया में जो है वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हो गए, और अगर वो पदोन्नत होते हैं 40 साल में तो उनके भी बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ऐसे ये हुआ, मतलब ये हुआ कि क्लाइमेक्स ये है कि मराठा ओबीसी मांगे और ओबीसी ईबीसी मांगे। ईबीसी ये हो सकता है, मांग सकते हैं हम सब, चलिए, तो क्योंकि कुल इतनी मिलाकर काट छाट है ओबीसी में, इतनी काट छाट है। और जो किसान है उसके लिए वो कह रहे हैं कि सिंचाई, यानी जो सीलिंग का जो क्राइटेरिया है, अगर 18 जो खास करके पूरी सिंचाई वाली जमीन होगी तो उसके लिए 18 एकड़ है, और 52 एकड़ 54 एकड़ किसके लिए नॉन इरिगेटेड है, तो उसका अगर 80% उसके पास खेती होगी तो वो भी क्रीमी लेयर हो जाता है। तो हर लेकिन जो बाबू, ओबीसी वर्ग में जो आता है उसकी कटाई का मानदंड बना हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कटाई का मानदंड एक है, 8 लाख की आय, और ये मानदंड है ओबीसी में आखिरी है, आखिरी है, आखिरी का मानदंड है ओबीसी में 8 लाख वाली आय सीमा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में केवल एक मानदंड है। तो 8 लाख क्या सुप्रीम कोर्ट में जब उम्मीद जजमेंट किया था तब उन्होंने परखा क्यों नहीं, भैया जिनको पिछड़े कह रहे हैं उनके लिए 6 मानदंड देते हैं और जो जो पिछड़े नहीं है उनके लिए 1 मानदंड कैसा, ये तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल हो गया, बात। आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया ये तो। ये तो ईडब्ल्यूएस है ही ये नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज कोर्ट को आ नहीं रही है, समझा हम क्या? लोगों के करना था। तो जम्मू भाई, अब हम लोग 43 मिनट हो गए हैं। हाँ, और कोई सवाल है?
आज नहीं कुछ यूनियन हो नहीं, गया एक तरह से। देखिए जब आर्थिक निकष पे आरक्षण रहेगा तो वहां निकष एक ही बिल्कुल रहेगा, आर्थिक इनकम, और जहां पर बिल्कुल शैक्षणिक और सामाजिक निकष पे पिछड़ापन सिद्ध होगा वहां पर निकष बहुत ज्यादा होंगे। तो इसके लिए शायद हो सकता है कि समय अनुसार समाज भी शिक्षित होगा और जो आसान तरीका है आरक्षण का, शायद उस तरफ लोग बढ़ेंगे आगे, क्योंकि कोई समाज झंझट में फंसना नहीं चाहता। किसी समय उस समय का संदर्भ अलग होगा, नहीं, 50 साल बाद। लेकिन जम्मू भाई इसमें भी एक बात है, इसमें भी एक बात यह है कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ आर्थिक कहाँ रह गया? जब आपने कह दिया कि ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी ओबीसी नहीं आएंगे, तो ईडब्ल्यूएस भी कहाँ आर्थिक रह गया? इसका मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस में वो लोग आएंगे जो 342 और 343 में नहीं है। 340 में नहीं है, 242 और 340 में है। तो नहीं, जम्मू भाई 242, 340 341 और में 342 में। बिल्कुल,